मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो व्लॉग है व्लॉग को आप लोग लास्ट तक देखना। स्टार्टिंग में थोड़ा मैं डिटेल्स बताया हूँ क्योंकि डिटेल्स जानना बहुत ज़रूरी है और बीच में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा, आप लोग रियली बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, और आप सभी को बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। और ये जो वीडियो बनाने का रीज़न है, व्लॉग है, क्योंकि मेरी हल्दी होने वाली है। जी हाँ, हल्दी होने वाली है मेरी, और शादी भी मेरी 14 फरवरी को, वैलेंटाइंस डे के दिन। अब तक इतने सालों से मैंने पूनम के साथ कभी भी वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि उस दिन छुट्टी नहीं होती और मैं स्कूल के काम में बिज़ी रहता हूँ, यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं बिज़ी रहता हूँ, तो इस वजह से मैं वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा था। तो अभी मैंने डिसाइड किया कि हमारे एंगेजमेंट के बाद कि हम जो शादी है वैलेंटाइंस डे के दिन करेंगे। तो आज मेरी हल्दी की रस्म है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि अब तक तो मैं देखते आता था कि रस्म किस तरीके की होती है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि हल्दी की जो रस्म है उसमें मैं खुद बैठने वाला हूँ। तो आंटी आए हैं अभी, आंटी हल्दी लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे नहीं, हल्दी बनाएंगे, और साथ में देखो कौन आ गया है। ऐसा लग रहा है मेरी अम्मी की हल्दी हो रही है एंड शी इज सो एक्साइटेड। रुक जा, क्या बोल रहे हैं? एक रुपए तेरे डांस के बुकिंग अमाउंट है। कौन सा अमाउंट है? कौन सा? मेरे जो आर्टिस्ट लोग हैं उन लोग से आपको मिला, तो बैंकॉक से है ये लोग, और एक नाइजीरिया से, और एक साउथ अफ्रीका से, और ऑस्ट्रेलिया से। इनसे मिलते हैं। भुर्रा ये है कहाँ से? और फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया की बिहार। आई बात क्या करने वाले? तो ये रुमाल जो है ये इसलिए मंगाया है, मैं ऐसा चाहता हूँ कि हल्दी लगने के बाद मेरे हाथ का एक यहाँ पे प्रिंट और पूनम के हाथ का एक प्रिंट लगेगा, तो इसको फ्रेम करके मैं रखूँगा मेरे बच्चे लोग को दिखाने के लिए। और मेरी हल्दी की रस्म शुरू हो गई है, और आप लोग देख रहे हो मेरे दोनों हाथ में पान का पत्ता है और उसमें दो सुपारी रखा गया है। और आंटी जो है मेरी मम्मी को बता रही कि सरल से हल्दी की रस्म एक माँ को स्टार्ट करना चाहिए, और हल्दी लगते हुए चेहरे पे और पूरे एरिए के जो लोग हैं, हमारे नेबर्स, हमारे कज़िन्स, आंटी लोग, सब लोग आए हुए हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं हल्दी की रस्म को। और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक तरफ मुझे यहाँ पर हल्दी लग रही है, दूसरी तरफ पूनम के घर पर हल्दी लग रही है, तो वहाँ की रस्म हम देखते कैसी होगी। ये जो मुझे हल्दी लगा रही है अनम है, मेरी भाभी भी है और इसको मेरी बहन भी मानता हूँ मैं। और ये आंटी तो पूरा एकदम तमाशा कर दिए हल्दी में, पूरा रगड़ रगड़ के अभी देखना लगाएंगे ये। और इन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा धमाल किया है हल्दी की रस्म में, ये किसी को नहीं छोड़ते। ये मेरी फेवरेट मम्मी की तरह मेरी फेवरेट आंटी है। और नाच गाने तो होते रहते, शादी हो अगर नाच गाना ना हो तो कैसे चले। और ये अब्बास आधे पगार इसको दिया हम लोग ने डांस का, इसके लिए साइड में नाच रहा है, मन तो है इसका लेकिन फिर भी इसको कोई भाव नहीं दे रहा है। ऐसा लोगों का कहना है, पुराने लोगों का, कि जो दूल्हे का बिस्तर होता है वो अलग होना चाहिए, जिस पर कोई नहीं सोएगा उस पर सिर्फ दूल्हा ही सोएगा। तो इसलिए इन लोगों ने मुझे घर के कॉर्नर पे मुझे सोने के लिए जगह दे दी है। और मनीष ने मुझे पूरा हल्दी से नहला दिया है, सिर्फ चेहरा थोड़ा बाकी है वो भी पीला कर देगा। और ये कोई रस्म नहीं है, ये सिर्फ यादें हैं ताकि पूनम के साथ हमेशा रहे मेरी। मेरे हाथ का छापा मैं भेज रहा हूँ, सो मैं पैक कर रहा हूँ पूनम को। अभी जो है प्रिपरेशन चालू है पूनम के घर पे, अभी यहाँ से जो रसम है वो जाने वाली है, जैसे थाल हो गया, कपड़े हो गए, फ्रूट्स हो गए, और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग है। और पूनम के घर पे बहुत अच्छा प्रिपरेशन चालू है।
तो ये था मेरा पार्ट वन मेरे ब्लॉग का, जो कि हल्दी का था, और अभी मेरे शादी का पार्ट टू आने वाला है। तो बहुत सारी मस्ती हुई और कुछ क्लिप्स ऐसे थे जो कि नहीं मैं शेयर कर पाया, क्योंकि बहुत मस्ती गोर दोस्त है मेरे सब लोग, और बहुत मज़ा आया। फैमिली भी बहुत अच्छे से इन्जॉय किया ये, इट्स लाइक फेस्टिवल फॉर अस। मेरे घर में फर्स्ट टाइम इतना अच्छे से सेलिब्रेट हुआ हल्दी का फंक्शन, और शादी का ब्लॉग तो और भी बेहतरीन है। सो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना, कमेंट करके बताना आप लोगों को कितना मज़ा आया, और सब्सक्राइब करोगे तो डेली डेली अभी जो अपडेट्स है वो आप लोग तक आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड जय हिंद।